Hello students, here is the explanation of third chapter of unit 2. Name of the chapter is My Earthquake Experience in Tokyo. As per the name of the chapter, we can think or we can assume that this is the story of the writer himself. He is telling his personal experience through this chapter. Have you ever experienced an earthquake? This chapter is all about experiencing an earthquake. So the writer is asking to you, have you ever experienced an earthquake? So the story begins with that. It's a real story. It is not a fictional story. It's a personal experience of writer. Story जब start होती है तो writer बताते हैं कि मैं अपने hotel room से camera लेकर निकलता हूँ. मैं actual में Tokyo घूमने के लिए आया था. यहाँ पर कुछ pics click करने के लिए, record करने के लिए. एक cameraman की तरह मैं यहाँ पर आया था घूमने के लिए. तो मैं अपनी होटल रूम से कैमरा लेकर निकलता हूँ आसपास की पिक्स क्लिक करने के लिए. मैं पहुंचता हूँ टोक्यो मेट्रो स्टेशन पर. टोक्यो मेट्रो स्टेशन पर सिजुकी स्टेशन, जो वर्ल्ड का बिजीएस्ट, सबसे ज्यादा बिजी स्टेशन है, मैं वहां पर पहुंचता हूँ. हजारों लोग वहां पर लाइन में लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है. सडनली क्या होता है, कुछ वाइब्रेशन सा होता है जमीन में, हल्का सा वाइब्रेशन होता है, बिल्कुल जस्ट 1 सेकेंड का, कुछ सेकेंड का. उसको उसमें कोई कुछ खास ध्यान नहीं देता. मैं भी सोचता हूँ कि मे बी ये मेरा वहम हो, तो मैं भी कुछ खास ध्यान नहीं देता हूँ. बाकी सब लोग भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. ये जो हल्का सा झटका सा लगता है, वाइब्रेशन होता है, इसमें कोई कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं करता है. लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा तेजी का, बहुत ही ज्यादा तेज वाला अर्थक्वेक वहां पर आ जाता है और सभी लोग यहाँ वहां भागना शुरू कर देते हैं. यहाँ वहां भागना से इन द सेंस है, जब भी अर्थक्वेक आता है तो कहा जाता है कि ओपन एरिया में हमें जाना चाहिए, सेफ होता है. क्योंकि अर्थक्वेक में बिल्डिंग्स जब टूटकर गिरती हैं, तो अगर आपके ऊपर गिर जाती हैं तो जान जाने का खतरा है, ऑब्वियस सी बात है. तो स्टेशन से हजारों की संख्या में लोग और जो बिल्डिंग्स हैं वहां से भी सभी लोग भागकर सामने एक जो बड़ा सा, बहुत ही बड़ा पार्क बना हुआ है, उस पार्क में आकर सब इकट्ठे होते हैं. अब उस पार्क में खड़े होने के बाद भी राइटर को सेफ फील नहीं हो रहा है. रीजन क्या है, क्योंकि वो जो पार्क है वो स्काई स्क्रैपर्स मीन्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग से घिरा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग से वो घिरा हुआ है. फिर राइटर थोड़ी सी हिम्मत करते हुए अपने कैमरे को निकालते हैं और उस पूरे टेरिफाइंग एक्सपीरियंस को शूट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, पिक्स क्लिक करते हैं कि कितना खतरनाक अर्थक्वेक है जो वो विटनेस कर रहे हैं. बहुत हिम्मत वाली बात है ये कि आप उस सिचुएशन में हैं और फिर भी आप उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो वो सारी रिकॉर्डिंग करते हैं. ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बच पाएंगे. उन्हें बहुत ही ज्यादा, उन्हें क्या, आसपास के कुछ लोग, पार्क में खड़े हुए जो कुछ लोग थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे. वही दूसरी तरफ कुछ लोग थे वो इतने नॉर्मल वे में खड़े हुए थे कि लग ही नहीं रहा था कि अर्थक्वेक है, अभी अर्थक्वेक चल रहा है और वो उसको फेस कर रहे हैं. क्योंकि कुछ एरियाज, जापान जो है वो ऐसी जगह है जहां पर अर्थक्वेक नॉर्मल सी बात है, आते रहते हैं, तो उन लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. फिर थोड़ी देर बाद, ऑलमोस्ट आवर, 2 आवर, सब कुछ शांत होता है, शांति होती है. उसके बाद आसपास जब देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का, 8.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, जो जापान की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक था. फिर धीरे धीरे करके सब नॉर्मल होता है. जब सब कुछ शांति होती है तो पार्क से निकलकर लोग अपने घर जाना स्टार्ट करते हैं. तो जो घर जाने की जर्नी होती है वहां पर, एक्चुअल में क्या है कि अब यहाँ पर कोई बसेस अवेलेबल नहीं है, कोई ऑटो अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है. तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैदल चलना शुरू करते हैं. तो जो रोड्स हैं वो ग्रिड लॉक्ड मींस टोटली भरी हुई है, क्योंकि इतने सारे हजारों की तादाद में लोग पैदल वॉक कर रहे हैं, इकट्ठे एक साथ जब एक जगह से निकल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रश हो रहा है. जब राइडर पहुंचते हैं अपने होटल रूम, वापस पहुंचते हैं बाय वॉक, पैदल ही पहुंचते हैं, तो फिर टीवी ऑन कर देखते हैं कि ये जो एक अर्थक्वेक था, ये अभी तक का सबसे ज्यादा डिजास्ट्रस अर्थक्वेक था, बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक था. तो राइटर ने विटनेस किया हुआ है एक अर्थक्वेक. एक चीज वो और यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं जब अफ्रीका घूमने के लिए गया था, वहां पर मैं डूबते हुए बचा था, राफ्टिंग के टाइम पर मैं डूबते हुए बचा था.
तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बचा है जो मैंने एक्सपीरियंस ना किया हो। मैंने दोनों ही डेंजरस चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया है। तो लास्ट में राइटर ये कहते हैं कि आई थिंक आई हैव सीन इट ऑल। उन्हें ये रियलाइज होता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि मैंने अब सब कुछ देख लिया है, कुछ भी दुनिया में देखने के लिए नहीं बचा है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डूबते ही वाले थे, उस सिचुएशन को भी वो फेस कर चुके हैं, और अर्थक्वेक में जहां उन्हें लग रहा था कि आज उनकी लाइफ का आखिरी दिन है, वो उससे भी बाहर निकल आए हैं। तो दोनों ही सिचुएशन को उन्होंने फेस कर लिया है। दिस चैप्टर इज द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर इन विच ही एक्सपीरियंस्ड अर्थक्वेक इन टोक्यो। थैंक यू एवरीवन।